दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों टेलीग्राम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, दोस्तों टेलीग्राम को कैसे यूज करना है इस पर भी आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो भी YouTube पर देखे होंगे। पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को भी पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और दोस्तों साथ ही साथ टेलीग्राम में भी बहुत सारे नए अपडेट भी आ चुके हैं। दोस्तों टेलीग्राम ना कि एक चैट एप्लीकेशन है, दोस्तों टेलीग्राम एक सर्च इंजन है, एक क्राउड ऐप है, पैसे कमाने की मशीन है। दोस्तों आज मैं आप सभी को फुल्ली गाइड करूंगा कि दोस्तों टेलीग्राम को कैसे यूज करना है और दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों टेलीग्राम में ग्रुप कैसे बनाया जाता है, टेलीग्राम में चैनल कैसे बनाया जाता है और दोस्तों टेलीग्राम को सर्च इंजन के तौर पर कोई भी वेब सीरीज या नई मूवी को कैसे फाइंड करके देखा जा सकता है और दोस्तों टेलीग्राम में क्लाउड का इस्तेमाल कैसे करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को ये पता है कि अगर आप कोई भी नई मूवी या वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसे देखने के लिए आपको अमेजोन या नेटफ्लिक्स पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और दोस्तों उस सब्सक्रिप्शन को आप एक मंथ के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक मंथ का पैसा पे करना पड़ता है, मगर दोस्तों आप टेलीग्राम के मदद से या बिल्कुल फ्री में कोई भी नई मूवी या कोई भी नई वेब सीरीज को आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टेलीग्राम से पैसे कमा सकते हैं, एक पैसे कमाने की बहुत ही बड़ी मशीन है यह टेलीग्राम। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आज पूरा कंटिन्यू देखते रहिएगा और दोस्तों आज मैं आपको फुल्ली गाइड करूंगा कि टेलीग्राम को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों टेलीग्राम को इजीली आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो स्टार्ट मैसेजिंग पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट मैसेजिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 5 डिजिट का OTP आएगा, जो OTP को एंटर कर देना है। दोस्तों OTP करने के बाद ऑटो वेरीफाई हो जाता है और आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल क्रिएट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मेन्यू बार ओपन हो जाता है। मेन्यू बार ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू ग्रुप, न्यू सीक्रेट चैट और न्यू चैनल। न्यू ग्रुप पर क्लिक करते हैं, आपको ग्रुप बनाना पहले सिखा देते हैं। दोस्तों पहले मेंबर ऐड करना होता है, उसके लिए यहाँ पर आपको इस तरह से टिक कर मेंबर को ऐड कर लेना है। मेंबर ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने ग्रुप का नेम डाल देना है, जो आपका ग्रुप का नेम डालना चाहते हैं। दोस्तों ग्रुप का नेम डालने से पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा फोटो का, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अपलोड फ्रॉम गैलरी, सर्च वेब और टेक फोटो। तो अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर कोई भी एक गैलरी से मैं फोटो चूज कर लेता हूँ और उसे यहाँ पर एड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं ग्रुप का नेम डाल देता हूँ। दोस्तों ग्रुप का नेम मैं यहाँ पर डालता हूँ टेस्ट ग्रुप। दोस्तों मैं आपको सिंपल बताने के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्रुप का नेम डाल दिया है, उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और अपना ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। दोस्तों ग्रुप क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस ग्रुप में आप 2 लाख मेंबर को ऐड कर सकते हैं, जबकि दोस्तों अब व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें 260 मेंबर से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस ग्रुप का एक पब्लिक लिंक बना सकते हैं, जिसे आप शेयर कर और इसमें पब्लिक को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उस ग्रुप का लिंक होगा t.me/title, यानी कि आपके ग्रुप का नाम, उसे आप शेयर कर और आपके यहाँ पर फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मेन्यू बार में एक ऑप्शन आपको और मिलता है न्यू सीक्रेट चैट का। दोस्तों यहाँ पर आप किसी के साथ सीक्रेट चैट करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है, दोस्तों टेलीग्राम के पास वो डाटा नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलता है न्यू चैनल का। दोस्तों यहाँ पर आपको हम चैनल क्रिएट करने का सिखा देते हैं। दोस्तों चैनल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू चैनल पर जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है फोटो का, तो फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 ऑप्शन आपको मिलता है, तो अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करते हैं, एक फोटो यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चैनल का नेम डाल देते हैं। तो दोस्तों सिंपली सा मैं टेस्ट चैनल डाल देता हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो दोस्तों मैंने टेस्ट चैनल डाल दिया है, और उसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको ये डालना है कि आपका चैनल किस टाइप का है, उस टाइप का यहाँ पर कुछ डाल देना है और डालने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको मिलता है, पब्लिक चैनल और एक प्राइवेट चैनल। दोस्तों पब्लिक चैनल वो होता है जो आपके चैनल को टेलीग्राम पर सर्च कर आपके चैनल को ज्वाइन हो सकता है, और प्राइवेट चैनल वो होता है जो आप किसी को लिंक भेजेंगे तभी वो आपके चैनल को ज्वाइन कर सकता है। नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है परमानेंट लिंक का। दोस्तों इस पर हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पर आपको एक यूनिक लिंक बनाना है, जो लिंक होगा t.me/ आपका जो नाम डालते हैं या चैनल का नाम डालते हैं वो होगा आगे। तो दोस्तों मैं अपना यहाँ पर सिंपली सा डाल लेता हूँ कुछ भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है, आगे 2-3 नंबर डाल दिया, ये मेरे चैनल का लिंक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर फिर से करना है क्लिक।
राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मेंबर ऐड कर सकते हैं। मेंबर ऐड करने के बाद दोस्तों सिंपली से यहाँ पर एरो वाले पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर चैनल क्रिएट हो जाता है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल या ग्रुप बनाने का एक फायदा होता है कि आप जो रेफरल लिंक शेयर करते हैं उस रेफरल से आपका कोई भी डाउनलोड आता है तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपका कोई एफिलिएट लिंक है और उसे अगर आप अपने ग्रुप में चाहे टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं तो उसके भी आपको दोस्तों यहाँ पर पैसे मिलते हैं। और दोस्तों बहुत सारे स्पॉन्सर भी होते हैं जो अपने किसी भी वीडियो या लिंक को कहते हैं कि आपके अपने टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में शेयर कर दो, उसके हम आपको पैसे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एफिलिएट लिंक या आपको रेफरल लिंक चाहे आपका स्पॉन्सर लिंक शेयर करने से यहाँ पर टेलीग्राम में आपको पैसा मिलता है। अब दोस्तों हम टेस्ट चैनल बैनर पर करेंगे क्लिक। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का ये लिंक हो चुका है, जिसे मैं किसी को सेंड करूँगा तो वो मेरे चैनल पर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है। चाहे वो सर्च में भी जाकर टेस्ट चैनल लिखेगा तो मेरा चैनल आएगा, वो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया एक पब्लिक लिंक। उसके बाद दोस्तों नीचे दो ऑप्शन आपको मिलता है सब्सक्राइबर और एडमिनिस्टर का। तो दोस्तों एडमिनिस्टर एक ही है और सब्सक्राइबर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइबर भी एक ही है। दोस्तों और भी ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सब्सक्राइबर पर क्लिक कर और इस तरह से आपको टिक मार्क कर और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सब्सक्राइबर को कर लेना है। दोस्तों इस तरह से और भी ज्यादा आप सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो देख सकते हैं ये जो आइकन है इस पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे जो देख सकते हैं डिलीट चैनल का, यहाँ पर क्लिक कर आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी होता है डिलीट करना और टेलीग्राम चैनल बनाना। दोस्तों मेन्यू बार में एक ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग का। सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर यूजर नेम का। दोस्तों यूजर नेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप किसी को भी यूजर से चैट करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपको उसका यूजर नेम पता है तो टेलीग्राम में आकर सर्च करते उसका यूजर नेम, तो यूजर नेम आने के बाद उसको कोई मैसेज करते वो आपको रिप्लाई देगा। दोस्तों व्हाट्सएप में आपको नंबर चाहिए होता है, नंबर होगा तभी आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, पर टेलीग्राम में ऐसा है कि आपको एक यूजर नेम बनाना है जिस यूजर नेम से कोई भी आपको सर्च कर फाइंड कर आपको मैसेज करेगा, जिससे आप इजीली अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। यूजर नेम यहां पर आप बना सकते हैं, बनाने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर और आपका यूजर नेम यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यूजर नेम कैसे काम करता है वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं आता हूँ बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर और किसी भी एक यूज़र को मैं सर्च करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ साहिल, ये मेरा ही यूज़र नेम है। दोस्तों देखते हैं साहिल 799 ये मेरा यूज़र नेम है जो मेरे दूसरा टेलीग्राम अकाउंट का है। इस पर मैं क्लिक कर और यहाँ पर सिंपली सा मैं हाई मैसेज कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं बिना नंबर का यहाँ पर आप किसी को भी यूज़र नेम सर्च कर और मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यूज़र नेम का एक यही बेनिफिट होता है यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पर किसी को भी यूजर नेम को सर्च कर उससे बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर किसको शो करना चाहते हैं किसको नहीं शो करना चाहते, लास्ट सीन किसको शो करना चाहते हैं किसको नहीं करना चाहते, फोटो किसको शो करना नहीं करना है, फॉरवर्ड मैसेज ग्रुप और कॉल किसको शो करना चाहते हैं, ये सब यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। टेलीग्राम एक चैट एप्लीकेशन होने के साथ साथ ही ये एक सर्च इंजन भी है। दोस्तों यहाँ से आप किसी का प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, यूजर नेम सर्च कर सकते हैं, कोई भी मूवी देखना चाहते हैं, वेब सीरीज देखना चाहते हैं उसे भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई इमेज सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी ग्रुप को सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा तो आपको सर्च पर क्लिक करना है। दोस्तों मान लीजिए मुझे कोई एक वेब सीरीज देखना है जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर अभी वो चल रहा है। दोस्तों नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर देखने के लिए मुझे वहाँ सब्सक्रिप्शन लेना होगा और दोस्तों टेलीग्राम से उसे मैं बिल्कुल फ्री में देख सकता हूँ। दोस्तों कैसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए एक फिल्म है जैसे कि जुमांजी द नेक्स्ट लेवल, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। सर्च करने पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप और चैनल आ चुके हैं जिसने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे शेयर किया है। और दोस्तों जैसे मैं सर्च में लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए किसी एक पर हम क्लिक करते हैं और आपको उस मूवी को डाउनलोड करने को बता देते हैं। दोस्तों जैसे मैंने किसी एक चैनल पर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। अगर आप 1.5GB 1080p रेजोल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर कम MB 720p का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होकर वेबसाइट पर चले जाते हैं और वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ से इजीली इस मूवी को डाउनलोड आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी मूवी या वेब सीरीज देखना हो तो आपको टेलीग्राम पर आकर इसी तरह से सर्च करना है और उसके ग्रुप में या चैनल पर जाकर उसके लिंक पर क्लिक कर और वहाँ से आपको कोई मूवी या वेब सीरीज को डाउनलोड कर और आप उसे इजीली देख सकते हैं। टेलीग्राम को आप क्लाउड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप गूगल क्लाउड इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपबॉक्स, मेगा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप टेलीग्राम को भी
इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड के तौर पर, और कभी भी आपका यहाँ पर स्पेस फुल नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए आपको करना है सर्च पर क्लिक। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सेव मैसेज। सेव मैसेज सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाटा को ऐड कर सकते हैं, जिसे आप कभी भी किसी टाइम यहाँ से आप अपने फ़ोन में रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। डाटा ऐड करने के लिए सिंपली से आपको माइक के सामने जो बटन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आप गैलरी से फोटो रखना चाहते हैं, वीडियो रखना चाहते हैं, कोई भी फाइल रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं, उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जब मर्जी चाहे तब आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आप अपना फ़ोन रीसेट कर रहे हैं, और दोस्तों अगर आपका डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों सारा डाटा को आप अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दीजिए। और दोस्तों सारा जब लॉगिन करने के बाद आप अपना टेलीग्राम चैनल भी लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो आपका डाटा होगा आप अपने टेलीग्राम चैनल से सारा रिकवर कर सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा बात है इस टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों इस तरह से आप टेलीग्राम चैनल क्लाउड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। यहाँ पर आप अपने कोई डाटा सेव कर सकते हैं, इसे सर्च इंजन के तौर पर काम कर सकते हैं, कोई भी वेब सीरीज या मूवी देखना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं और उस मूवी को देख सकते हैं, और यहाँ से इजीली आप पैसे भी कमा सकते हैं रेफरल लिंक से। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी के लिए यहाँ पर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।